हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्रेश उत्तराखंड में। दोस्तों आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं, आप बोलेंगे कि वाह क्या जगह है। दोस्तों वीडियो में आपको पता चली जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। ये है हमारी टीम दोस्तों पूरी, जो आज हम घूमने के लिए जा रहे हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक पूरे ब्लॉग को देखिएगा। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में, देखते रहिए हम कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या करते हैं आज, पूरे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम चल दिए हैं पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों के बीच में से अपने सफर की ओर। ये है ओगला का मीन चौराहा, बजरंगबली का मंदिर। जय बजरंगबली। कितना सुहाना मौसम है, चारों ओर हरियाली और उन हरियालियों के बीच में काफ़ी सारे झरने। तो गाइज हम हैं अभी डिडिहाट और थल के बीच में, जहाँ पे ये झरना पड़ता है। आपने कई बार देख रखा होगा, दो चार दिन से बारिश नहीं हुई है तो झरना थोड़ा अभी कम हो गया है, लेकिन अभी भी फ़िलहाल है जो जिसका शॉट आपने देख लिया है। और पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है, आगे हमने पूरा वीडियो में बने रही है, पूरा वीडियो हम दिखाएंगे। और यहाँ पे चल रहा है अभी फ़ोटोशूट, यहाँ पे हमारी बाइकें खड़ी है, ये रहा मेरा चेतक। चल दिए हम इससे आगे को। दोस्तों काफ़ी सारा डाटा मेरा डिलीट हो गया है, काफ़ी अच्छे अच्छे जो वीडियोस थी वो डिलीट हो गई हैं। फिर भी प्रयास किया है अच्छा वीडियो बनाने का, उसके बाद भी मेरी कई सारी वीडियो डिलीट हो गई थी। फिर भी कोई बात नहीं, चलिए ले चलते हैं सफर में आपको आगे के लिए। ये हम चले टेढ़े मेढ़े रस्तों पे वन जोशी के संग, यूट्यूबर फ्रेश उत्तराखंड यूट्यूब चैनल। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। और ये आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं कालीताल की तरफ, एक झील जहाँ पर हम कुछ साथी गांव के नहाने जा रहे हैं, अपने गांव से बहुत दूर। गर्मियों के मौसम में ये हमारे साथ भुवन जोशी, हेलो, एंड इनका जो चैनल है यूट्यूब फ्रेश उत्तराखंड के नाम से, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड भाई के चैनल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। बाकी आपका उसमें नए नए कंटेंट हम डालते रहते हैं, ब्लॉग आता रहता है उसमें फ्रेश उत्तराखंड। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, थैंक यू। और आप नज़ारा यहाँ पे देख सकते हैं, कितना सुंदर मौसम आज हो रहा है, आप देख ही सकते हैं। पीछे भी हमारे कुछ साथी आ रहे हैं, संजीव कुमार एंड करण सिंह कन्याल पीछे हमारे, आप देख सकते हैं। जैसे अभी हम थल पहुंचने वाले हैं, कुछ 10-15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे थल, 4-5 किलोमीटर अभी और है। हम चल दिए हैं थल से ऊपर को, काफ़ी सारा वीडियो डिलीट होने के कारण बीच का सीन हम नहीं दिखा पा रहे हैं, तो चलिए आगे ले चलते हैं आपको सीधे। सो गाइज हम पहुंच गए हैं अभी हरिपुर में। यदि आप थल रोड होते हुए आते हैं तो आपको बीच में मिलेगा हरिपुर, जहां से आपको मैं बैक कैमरा ऑन करके दिखा देता हूं आपको। सो गाइज यहां पे से हमको ये रोड छोड़ के इस रूट पर जाना है। यहां पे देख दीजिए नई सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क गई हुई है आगे। यहाँ से 2 किलोमीटर है आगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये है हालिया जॉब से गरुड़ मोटर मार्ग। यहाँ पे एक दुकान मिल जाएगी आपको, यहाँ पे से हमने पूछ लिया था, यहाँ से बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर आगे है, 2 किलोमीटर आगे जाके एक पुल आएगा, वहाँ पे से हमको ऊपर को चलना है। तो गाइस चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से ऊपर वाली रोड को छोड़ के हमें नीचे वाली रोड में चलना है। तो हम चल रहे हैं इधर को, इस रोड में हाल ही में डामरीकरण हो रखा है, पक्की सड़क बनी हुई है। अभी यहाँ पे हमने पूछा तो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे बता रहे हैं वो कालीताल। तो चलिए आगे चलते हैं, ये देखिए हमारे दोस्त पीछे से आ रहे हैं और हम चलिए आगे आगे। काफ़ी सुहावना मौसम हो रखा है और हम चल रहे हैं कालीताल की तरफ। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ से ऊपर नीचे चारों ओर हरियाली है और हम चल रहे हैं कालीताल की ओर।
तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं। रास्ते में आपको ये पुल मिल जाएगा, देख लीजिए ये पुल है, और आपको रास्ता ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है और सभी लोग कालीताल घूमने के लिए आ रहे हैं। अगर आपका मन हो रहा है कि गर्मी की छुट्टी कहाँ बिताई है और कहाँ हम कहीं कहीं टूर प्लान कर रहे हैं, आपको बेस्ट होगा कि आप कालीताल आ जाएं घूमने के लिए। आप देख सकते हैं, देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, गाड़ी 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 गाड़ी, पूरी गाड़ियाँ गाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे भी गाड़ियाँ हैं और उस साइड पुल के उस साइड भी कई लोग गाड़ियाँ देख सकते हैं, कई लोग भी हैं वहाँ, गाड़ियाँ भी वहीं पार कर रहे हैं अपनी। और इस पुल से पार आने के बाद दोस्तों, यहाँ से हमको जो ये पैदल रास्ता है, यहाँ से हमको ऊपर को जाना है, तो चलिए ले चलते हैं आपको सीधे कालीताल में। पहली बार आ रहे हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट है कालीताल को देखने के लिए, और पीछे लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, जैसा कि मेला लगा हुआ है वैसा हो रखा है इधर। और पता नहीं आगे जाके कालीताल में कितने लोग हैं, क्योंकि गाड़ियाँ देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी वहाँ पर। तो चलिए आगे ले चलते हैं आपको। पहाड़ों में ऐसे नाले गधेरे आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं, और सुनने में आ रहा है कालीताल बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है, लोग उसके बारे में काफ़ी सारे बातें कर रहे थे, तो आज हम भी आ गए, देखते हैं वहाँ जाके कैसा तो है वहाँ। भीड़ का तो मत पूछो भाई, कोई जा रहा है कोई आ रहा है। सारे लोग ही लोग, न जाने कालीताल के पास कितना है दोस्तों, पहुंचने वाले हैं उसके चार करीब हैं अभी हम, देख लीजिए ऊपर तक भी आदमी बैठे हैं, और हमारा लक्ष्य है अभी पहुंचना इस जगह पे। ओह दूर से ही कितना खूबसूरत लग रहा है। इतने सारे लोग हैं देख लीजिए, कोई नहा रहा है, कोई फोटोग्राफी कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ। और ये रहा आपके सामने कालीताल का खूबसूरत नज़ारा, ये देख लीजिए कितना सुंदर झरना है, कितना सुंदर झरना है। जी करता है बस यूं ही देखता रहूं और बस देखता ही रहूं। तो गाइस नीचे देखा आपने कितनी ज़्यादा भीड़, बता नहीं सकते, बाप रे। तो दोस्तों झरने के ऊपर जा रहे हैं हम, ऊपर से आपको दिखाएंगे नीचे का नज़ारा कैसा है, पानी कहाँ पे से आ रहा है, कहाँ से नीचे को गिर रहा है, वो पूरा दिखाएंगे हम। मैं तो नहीं जाने वाला उस पानी में, बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। चलो आगे ले चलता हूँ आपको, हम यहाँ से जाएंगे आराम से, चल जाएगा झड़ रहे। हाँ ये मारे जंप, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ भी लोग कई बैठे हुए हैं, पानी यहाँ से आ रहा है, कल रात को बारिश होने की वजह से थोड़ा पानी गंदा हो गया है, यहाँ पानी यहाँ से आ रहा है पूरा देख सकते हैं, और यहाँ से पानी जा रहा है नीचे, यहाँ से गिर रहा है नीचे। चलो मैं नीचे जाके दिखाता हूँ आपको आराम से। ये रहा नीचे का नजारा, सो गाइस गांव वालों की वीडियो भी मैंने आपको बीच में दिखा दी थी, उन्होंने कहा था कि ये बहुत गहरी है, तो उन सब की बातों को मानते हुए हम तो तालाब में नहीं जाएंगे भाई, आपको केवल वीडियो दिखाने तक के लिए हम यहाँ आए थे, वहाँ तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे छोटी सी नदी है और यहाँ पे छोटा सा तालाब बना हुआ है, यहाँ पे जरूर नहाएंगे। Thank you.
और यहाँ पे देखिए लोग दिखा रहे हैं करतब, चार पांच बंदे चढ़े हुए हैं पेड़ में और यहाँ से जंप मार रहे हैं ये नीचे। दोस्तों जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, ये देख लीजिए कैसे ऊपर गए हैं, कई लोग नीचे तैर रहे हैं और ये देखिए बंदे ने नीचे मारी जंप। ये देखिए लग आसान रहा है लेकिन आसान है नहीं, बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। ये देख लीजिए, ये देखिए सारे लोग मस्ती करने में हैं यहाँ। और ये देखिए एक बंदा अभी भी पेड़ पर है जो जंप मारने की तैयारी कर रहा है, और ये मारी जंप इसने देखो, और पानी के अंदर और ये निकला पानी से बाहर को। देखिए कितनी सारी भीड़ है दोस्तों, ऐसी जगहों में जाओ तो सावधानी रखनी ज़रूरी है, दूसरे के बहकावे में आके इधर उधर से जंप तो बिल्कुल भी नहीं मारनी है, ये खतरनाक भी हो सकता है। यदि आपको तैरना नहीं आता तो आप पानी से दूर ही रहिएगा। जो इल्ला पूछा नहीं था हमारी चली हुई जंप मार लो उसे पूछन मेरी इल्ला। तो गाइस आज मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है, देखिए बादल लगे हुए हैं और मैं झरने के ऊपर बैठा हुआ हूँ, इससे नीचे तो मेरे बस्ती नहीं है। ये भाई है यहाँ का लोकल में ही रहता है, वो बोला मैं जंप मारता हूँ यहाँ से, तो भाई थोड़ी देर बाद जंप मार के भी दिखाने वाला है हमको यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए यार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, तो मज़े करिए आप। और ये बंदा जंप मारने के लिए तैयार है यहाँ पे। दोस्तों ये खतरनाक भी हो सकता है लेकिन इनका रोज का है, ये बोल रहा था कि हम रोज ऐसा कर लेते हैं। और बंदा तैयार है, नीचे पूछ रहा है कोई है तो नहीं नीचे, नीचे से आवाज आई क्लियर और बंदा रेडी और मार दिया जंप। ओ पानी के अंदर कहाँ गया, ये निकला पानी से बाहर। ये गया।